तो दोस्तों भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ पर हर एक शासक की एक अलग पहचान है। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उसकी कथाओं को सुनकर इतिहास के पन्ने भी कांप उठते हैं। ऐसे ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे अखंड भारत पर राज किया और उसके बाद अचानक से अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा की पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र को हाथ में लेकर ये महसूस किया कि आगे जाकर ये मेरा साम्राज्य चलाएगा, और आगे जाकर राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र का नाम अशोक रख दिया। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पट रानी थी और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक था। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुशील था। राज परंपरा के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसी को ही युवराज घोषित किया जाता है। इसी कारण कुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासन सुशील को दिया जाता है। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सुशील को पूर्ण तरह राज्य शासन नहीं दिया गया था। सुशील इतना समझदार नहीं था, वो गुलामों को बहुत ही मारता था और उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज्य दरबार में हर किसी को पता था राजपुत्र अशोक के अलावा कोई भी ये शासन नहीं चला सकता था। जनता ने तय किया था अशोक के अलावा